फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज का ब्लॉग है बाय आफ्टर स्कूल रूटीन। तो अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और अभी टाइम है 4:30। आते ही मैं हाथ मुंह सब धोकर बैग से अपना लंच बॉक्स और बॉटल निकाल के वॉश करती हूँ। इसके बाद कुछ चिल्ड पीती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे चेंज करके। अभी मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए एक इवनिंग स्नैक। तो अभी मैं बना रही हूँ ओट्स ऑमलेट, जिसके लिए मैं बहुत सारे वेजीज यूज कर रही हूँ। ये रेसिपी मेरे आंटी ने मुझे बताया था और मैं बोल रही हूँ एक बार तो एक बार ये आप जरूर ट्राई करना, इट्स रियली टेस्टी। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी एक एग और उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक छोटा सा मसाला ओट्स का पैकेट। दिस कम्स ओनली फॉर 17 रुपीज। आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो बट डेफिनेटली मसाला ओट्स वाला यूज करना, जिसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। मेरी आंटी तो इसमें नमक भी नहीं डालती है क्योंकि ओट्स का इंस्टेंट पैकेट तो हम ऑलरेडी यूज ही कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा मसाला वगैरह सब होगा। और अब आप सोच रही होगी कि मैंने क्यों ऐड किया, मैंने सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए ऐड किया, मैंने कुछ तो ऐड करना चाहिए ना, तो ये हल्दी और नमक डाल लिया। और बातों बातों में तो हमारा स्नैक्स भी रेडी हो गया एंड इट्स टाइम फॉर सर्विंग। मुझे पहले वाला प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं लगा तो आई चेंज्ड इट टू दिस। से विदाउट सॉस भी ये बहुत ही टेस्टी है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क होता है बुक्स अरेंज करना एंड बाय दिस टाइम इट्स ऑलमोस्ट 5। क्योंकि एग्जाम्स के बाद नॉर्मल वर्किंग डे स्टार्ट ही हुआ है तो स्टडीज भी काफ़ी कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि टू डू लिस्ट बनाने से पहले अपना ऑर्गेनाइजर को एक न्यू लुक दूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने कुछ कवाई स्टिकर्स। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर को मैं एक न्यू लुक देने वाली हूँ और इसमें जो स्टिकर्स पहले ही है वो मैं निकाल के एक OHP शीट में रखूँगी। सो लेट्स रिमूव दिस। तो नॉर्मली जब हम कहीं स्टिकर्स लगाते हैं ना तो ये स्टिकर्स का गम का मार्क ऐसे वहाँ पर ही पड़ जाता है, तो इसके लिए नेल पॉलिश रिमूवर काफ़ी अच्छा है, निकल जाता है। एंड दिस इज हाउ माई ऑर्गेनाइजर लुक्स नाउ। और मैंने इसमें एक पर्पल पिंक थीम रखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टडीज आज बहुत ही कम हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि सर्वोदया का थोड़ा सा स्टडी करूँ क्योंकि मैंने सर्वोदया में नाम दिया था। साथ ही में इंग्लिश रीड करेंगे और बायोलॉजी का क्लास सुनेंगे। फ्रेंड्स, ये है सर्वोदया का स्कॉलरशिप बुक। इसमें इंग्लिश, GK और मैथ्स आता है। सो लेट मी जस्ट शो यू रफली, दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज द जनरल नॉलेज।
and yeah, mathematics. Bonus, are you enjoying your holiday? Yes. Want this drawing dikhao? Got on. कौन है? कौन है ये? मिकी माउस। वैसे फ्रेंड्स हमारा 2-3 दिन का छुट्टी आ रहा है। वैसे बोनस का तो कल से ही स्टार्ट होगा, मीन सैटरडे से ही स्टार्ट होगा। मुझे कल जाना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे में क्लास है। मेरा हॉलीडेज रहेगा संडे मंडे और ट्यूसडे, जो है दुर्गाष्टमी, महानवमी और विजयदशमी। जैसे कि नवरात्रि हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ मतलब साउथ इंडिया में 7th डे दुर्गाष्टमी वाला दिन सरस्वती पूजा होता है, जिस दिन हम बुक्स सारे पूजा के लिए रखते हैं। संडे इवनिंग को हम बुक्स पूजा के लिए रखते हैं, मंडे नहीं छुएंगे बुक्स, और फिर ट्यूसडे मॉर्निंग को हम बुक्स लेकर कुछ रीड करेंगे या फिर स्टडी करेंगे। इस दिन को विद्यारंभ भी बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के फर्स्ट टाइम लिखाते हैं। ऑरेंज चोकोपाई मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इट इज गुड, या यू कैन ट्राई इट, बट चोकोपाई से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो चोकोपाई वाला फील तो इसमें नहीं आ रहा है। मेरा इंग्लिश का नोटबुक खत्म हो गया था, तो मैंने पापा से एक नया लाने के लिए कहा। सिंगल लाइन हम यूज करते हैं, और ये देखो पापा ने कितना बड़ा वाला नोटबुक ले आए हैं। ये मेरा टेक्स्ट बुक है, और ये देखो ये मेरा टेक्स्ट बुक और ये मेरा नोटबुक। By the way friends, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मैं बनाती हूँ रूटीन ब्लॉग्स, स्टडी ब्लॉग्स, स्टेशनरी ब्लॉग्स और भी बहुत कुछ। और मैं हर वीक में 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ, और एवरी वेडनेसडे एंड संडे एट 2 PM। तो स्टडीज के बाद मैं अपना टेबल अरेंज करती हूँ और फिर टाइम टेबल सेट करके रखती हूँ। वैसे मैं बताना भूल गई कि हमारे स्कूल में भी सरस्वती पूजा होगा, तो मैं वहां पर भी एक बुक दूंगी पूजा के लिए। और यहाँ पर बन रहा है हमारा डिनर, और आज डिनर में है मटर पनीर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, बाय बाय।